प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एचएस रावत। आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपकी मेन लगन है, मेन लगन कर्म का स्वामी बृहस्पति, आपके आयु का लगन का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सात्विक होता है, धन देने वाला होता है। इन 12 भावों में से 5 भावों का वो कारक होता है। आखिर कारक क्या होता है? कारक होता है कि चौकीदार की तरह काम करता है, यानी कौन से ग्रह को किस भाव से ज्यादा लगाव रहता है। 9 ग्रह हैं, किसी न किसी भाव से इनका ज्यादा लगाव रहता है। बृहस्पति इस लगन का स्वामी होकर के सूर्य अपने घर में बैठा है छठे भाव में। छठा भाव रोग चोट ऋण शत्रु हानि मुकदमा बीमारियों का होता है। अगर यह भाव पीड़ित होता है तो यह ट्रू है कि बीमारियां होंगी। अगर यह भाव मजबूत होता है तो यह भी ट्रू है कि घर खराब नहीं होगा। किसी व्यक्ति का घर कमजोर हो, छत टूटी हुई हो, पानी बहता हो तो घर तबाह हो जाता है। घर कमजोर होगा तो तबाही होगी, ध्यान से सुनना। घर कमजोर होगा तो तबाही हो जाएगी, और घर मजबूत होगा तो कोई कुछ आपका बिगाड़ ही नहीं सकता। अमेरिका मजबूत है तो कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता, जो कमजोर होते हैं उनका बिगड़ जाता है। इस कंडीशन में राहु की महादशा चल रही है। राहु बुरा ग्रह है और घर कमजोर है आपका, लेकिन यहां गोमेद पहना दिया जाएगा आपको और आप मारे जाओगे। लाल किताब वाला कोई ये नहीं बता सकता कि कौन सी एजुकेशन ठीक रहेगी, क्योंकि हरेक के अंदर पंचम भाव का सूर्य तो सूर्य हो जाएगा, तो हर डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन दर्शकों ये ट्रू विज्ञान है। पाराशर पद्धति वैदिक पद्धति है। यहां पर ग्रह बैठे हैं, डिवोर्स की संभावना बनती है। इस डिवोर्स को रोकने के लिए आपको पन्ना पहनना चाहिए। कभी भी ध्यान कर लो, अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, शनि के कारण पीड़ित हैं, तो आप शनि की पूजा करिए। कोई अगर आपको ग्रह दुखी करता है तो आप उसकी पूजा करें कि ना उसको मजबूत करें। कोई भी स्टोन पहनने से ग्रह मजबूत होता है। सूर्य नीच का यहां चंद्रमा के साथ राहु के अंदर बैठा हुआ है तो हार्ट की प्रॉब्लम आती है, आंखों की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नीच का सूर्य। आयु कमजोर हो रही है तो यहां पर जिस घर में कोई ग्रह नीच हुआ है तो उस घर के मालिक को मजबूत करना चाहिए। कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अगर आपके घर का मालिक कमजोर है तो आपको मालिक को मजबूत करना होगा। अगर आपके घर में आकर के कोई बुरा व्यवहार करता है तो घर के मालिक को मजबूत करना पड़ेगा, और कोई आपके घर के अंदर आकर के कमजोर हो जाता है तो उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये बड़े टेढ़े कंसेप्ट है। नग आसानी से नहीं पहनना चाहिए, किसी के कहने से भी नहीं पहनना चाहिए। आपको कोई कुछ भी बोले ऐसे मत फंसना, नहीं तो आपके साथ भी वही हाल होगा जो लाखों लोग लूटे जा चुके हैं। यहां पर ये ग्रह बैठे हैं, या चंद्रमा नीच का हो गया है। नीच चंद्रमा में मन की अशांति छिन जाती है, संतान कष्ट होता है, फादर को हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है। इसको रोकना होगा। इसको रोकने के लिए अब यहां पर सूर्य को मजबूत कर दिया, सूर्य की महादशा में तो पिता बीमार होंगे, राहु को मजबूत कर दिया तो फादर को हार्ट अटैक होगा। अब यहां पर संतान को बचाने के लिए चंद्रमा का मोती नग पहनना पड़ेगा, जबकि चंद्रमा नीच है और वो 2 पापियों के साथ बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा को मजबूत कर दिया है कुंडली के अंदर तो आपका संतान पक्ष यहां पर मजबूत हो जाएगा, नहीं तो संतान पक्ष यहां पर डैमेज हो जाएगा। राहु चंद्र और सूर्य कर्म भाव पर बैठे हैं, ये गवर्नमेंट का होता है। दशम भाव सरकार का है। सरकार की खोपड़ी पर अगर राहु बैठा हो, राजा के साथ अगर कोई राहु बैठा हो तो वो राजा भी बेकार हो जाता है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे बादशाह हुए, ऐसे ऐसे राजा अंग्रेज हुए जिन्होंने देश को लूटा, और उन्हीं के वंशज अगर सरकार में शामिल होते हैं तो वो भी देश को लूट रहे हैं। ये देश के साथ बहुत बड़ा मजाक है कि खरबों रुपया देश से बाहर गया भ्रष्टाचार का और इन नेताओं का पैसा। स्वामी रामदेव संघर्ष कर रहे हैं और वही बेईमान नेता उसका मजाक भी उड़ाते हैं।
क्यों? क्यों पैसा उन्हीं का है? वो बोलते हैं कि उनको साधु जी को क्या मतलब है, देश में हम पैदा हुए, हमें इसलिए मतलब है कि हम इनकम टैक्स देते हैं, हमें इसलिए मतलब है कि हम रोड टैक्स देते हैं, हमें इसलिए मतलब है कि हम बिजली के ऊपर टैक्स देते हैं, हम सेल टैक्स देते हैं, हम सर्विस टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स का पैसा, हम मेहनत कर करके पैसा इकट्ठा करते हैं और सरकार के ऊपर राहु बैठा हुआ है और सरकार नोच करके इकट्ठा करके वही भ्रष्ट मंत्री उस पैसे को बाहर कर देते हैं। दर्शकों, तकलीफ इसलिए स्वामी रामदेव को होती है और तकलीफ मुझे भी होती है, लेकिन मेरा काम ज्योतिष सिखाने का है, मैं भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना संतों का काम होता है। अगर खास मैं भी इसी प्रकार का कोई प्रोग्राम कर रहा होता, शायद मैं भी इस प्रकार से बोलता, मैं भी अपने दर्द को बोल सकता था, क्योंकि मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूं, टैक्स देता हूं, हर जगह टैक्स है, गाड़ी पैसा एक्ट है, सर्विस टैक्स है, पानी का टैक्स है, टेलीफोन का टैक्स है, टैक्स ही टैक्स भरमार टैक्सों की कर दी है पूरी की पूरी। अगर मैं ज्योतिष आपको सिखा रहा हूं, इस सिखाने का भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है आपको, और यही पैसा चोर चोर करके ये जो बेईमान लोग होते हैं वो वहां पर इकट्ठा कर देते हैं, उसको लाने में दिक्कत हो रही है। इसलिए दर्शकों, आने वाले चुनावों में भगवान ने चाहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ग्रहों ने चाहा तो ईमानदार लोगों को जिताना, कोशिश करना कि अच्छे लोग यहां देश की सेवा करें। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा, मीडिया बहुत आई हो गया है। इसलिए दर्शकों, सरकार के ऊपर जब बुरे ग्रह बैठ जाते हैं, सरकार में कोई भ्रष्ट आदमी बैठ जाता है, उनके ऊपर शनि राहु भ्रष्ट ग्रह बैठे होते हैं, तो वो बुरा कर देते हैं। आप यहां पुखराज पहन के रखिए, जिससे कि आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं होगा। यहां पर ये तीन ग्रह बैठे, इनकी शांति करें, और बारहवें भाव में तो इनका कोई भी स्टोन नहीं पहना जा सकता। दर्शकों, ये था मीन लगन में तीन ग्रहों का फल, दो बुरे जो सरकार के ऊपर ग्रहण लगाते हैं और एक अच्छा। आपकी भी कोई समस्या है, बच्चे की पढ़ाई से संबंधित, कुंडली मिलान से संबंधित, घर फैक्ट्री के वास्तु से संबंधित, या जो सीखना चाहते हो तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, मैं 1 से 15 जुलाई दिल्ली व नोएडा, 16 जुलाई जयपुर, 17 उदयपुर, 18 अहमदाबाद, 19 बड़ौदा, 20 जुलाई पूना, मुंबई 21, 22, 23, 24 व 25 जुलाई, उसके बाद भूसावल 26 जुलाई, इलाहाबाद 27 जुलाई, 28 जुलाई गोरखपुर, 29 जुलाई बरेली व 30 जुलाई को चंडीगढ़ में रहूँगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9212960909, 9811006314। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, 1 अगस्त 2012 से हमारे विद्यालय में दिल्ली व मुंबई ब्रांच में एडमिशन प्रारंभ होने वाले हैं। इसमें फलित ज्योतिष की पूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी और इसकी फीस रहेगी सिर्फ ₹11,000। इसकी क्लासें सैटरडे संडे सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहेंगी। आप एडमिशन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है मुंबई 9820114429, दिल्ली 9811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, तो 10 किताबों का मूल्य ₹2100 और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य ₹3100 VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646466 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ₹3100, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212960909। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56।